जी हाँ, आज हम कंचों की मदद से भिन्ने सीखने की कोशिश करेंगे। हमारा तो टॉपिक है तुल्य भिन्ने, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मेरे पास कुछ कंचे हैं, इनमें से एक कंचे को मैं यहाँ अंश वाले खाने में और दो कंचों को हर वाले खाने में रखता हूँ। तो मेरी जो भिन्न बनती है वह बनती है एक बटा दो, जहां पर एक अंश है और दो हर है। इसी प्रकार से मैं एक बार दोबारा फिर से कंचे लेता हूं, अंश वाले खाने में फिर से एक कंचा, हर वाले खाने में फिर से दो कंचे रखता हूं। अब अंश वाले खाने पर मेरे पास कंचों की संख्या हो गई है दो, और हर वाले खाने में मेरे पास कंचों की संख्या हो गई है चार। अंश दो, हर चार। इसी प्रकार से जो हमारे पास सबसे पहली संख्या थी एक बटा दो, इसी आधार पर मैं फिर से अंश वाले खाने में एक कंचा और हर वाले खाने में दो कंचे रखता हूं। अब मेरे पास अंश वाले खाने में जो कंचों की संख्या है वो हो गई है तीन, और हर वाले खाने में मेरे पास कंचों की संख्या हो गई है एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। एक बार फिर से मैं हर है छह, एक बार फिर से मैं कुछ और कंचे लेता हूं, पहली तर्ज पर ही अंश वाले खाने में एक कंचा, हर वाले खाने में दो कंचे। अब अंश वाले खाने में मेरे पास कंचों की संख्या हो गई है एक, दो, तीन और चार, और हर वाले खाने में मेरे पास कंचों की संख्या हो गई है एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ। यानी कि अंश चार, हर आठ। आपने देखा होगा कि इन कंचों को रखने में हमने एक ही पैटर्न फॉलो किया है, वो है अंश में एक, हर में दो। अगली बार फिर से अंश में एक और हर में दो कंचे। इससे हम यह देखते हैं कि एक ही पैटर्न है, इसका मतलब ये सभी भिन्ने जो हमने बनाई हैं ये सब आपस में बराबर होंगी, और इसी प्रकार की बराबर भिन्नों को हम तुल्य भिन्ने यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। तो देखा आपने कैसे जिन कंचों से हम कितने मनोरंजक खेल खेलते हैं, उन्हीं कंचों की मदद से हम गणित के कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं। आशा करता हूं आइंदा तुल्य भिन्नों में कभी आप कंफ्यूज नहीं हो।